हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किड्स केयर। क्या मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा, कैसे पता करें? कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करता है आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा या नहीं होगा, तो मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पॉइंट वाइज बात करते हैं कि वो क्या फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा या नहीं होगा और आप कैसे पता लगाएं। तो पहला ये देखते हैं कि लेबर पेन तक जो फैक्टर है उसके बारे में पहले बात करते हैं। अगर 9 मंथ्स तक लेबर पेन आने तक अगर आपका मेडिकली सब सही है, बच्चे का वेट भी सही है, आपका मेडिकल कोई इश्यूज भी नहीं है और वाटर भी ब्रेक नहीं हुआ है, ब्लीडिंग भी नहीं हो रहा है और पूरा 38, 39 वीक्स, 40 वीक्स भी क्रॉस कर लिया, तो आपका चांसेस है नॉर्मल डिलीवरी का। तो अभी नेक्स्ट जो स्टेज है उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट, आपका 40 वीक्स क्रॉस कर लिया लेकिन अभी तक पेन नहीं आया है, तो आप तो वैसे वेट कर सकते हैं 42 वीक्स तक, क्योंकि आपका जो मेडिकल कंडीशन है वो पूरा सही है, वाटर भी ब्रेक नहीं हुआ है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, सब सही है, तो आप और 2 वीक्स वेट कर सकते हैं पेन के लिए। तो नेक्स्ट सिम्टम्स जो है जिससे आपको पता चल जाएगा नॉर्मल डिलीवरी होगा कि नहीं, वो ये है कि अगर पेन भी आपका सही टाइम पे आ गया, अगर आपको पेन फील हो रहा है, लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, तो वो डिसाइड करता है बच्चे का वेट। अगर बच्चे का वेट पूरा प्रॉपर है, जो कि मदर का जो है सर्विक्स है वो क्रॉस कर जाए, आराम से निकल जाए, तो भी आपका नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट जो है बच्चे का पोजीशन, वैसे तो स्टार्टिंग में सारे बच्चे का पोजीशन अलग अलग होता है, सेफालिक पोजीशन, एंटीरियर, फिर ट्रांसवर्स, फिर ब्रिज पोजीशन, इसके बारे में पहले ही चैनल में है कौन सा पोजीशन में बच्चे का मतलब पॉसिबिलिटी है रहना। अगर ब्रिज बेबी है या ट्रांसवर्स है, ये सब पोजीशन में बेबी है और आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तब तो जो 35 वीक्स तक तो बच्चा आ जाना चाहिए नीचे, उसका हेड डाउन कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया है तो भी डॉक्टर के पास टेक्निक होता है, ऐसा प्रेशर डाल के, ऐसा हाथ से प्रेशर डाल के बच्चे को घुमा सकते हैं, नहीं तो वो, लेकिन पूरा 100% नहीं है, 60% होता है, सक्सेस होता है। नहीं तो डिलीवरी पेन के टाइम भी बच्चा उसका हेड डाउन करता है, नीचे की तरफ जाता है। अगर नहीं हुआ, बच्चे का पोजीशन सही नहीं है, ब्रिज बेबी है, नीचे उसका सर नहीं आया, तो ये भी डिसाइड करता है आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा या नहीं होगा बच्चे का पोजीशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका हेल्थ कंडीशन। अगर आपका बीपी बहुत फ्लक्चुएट होता है, पहले डिलीवरी के टाइम ही, प्रेगनेंसी के दौरान आपका हाई बीपी रहता था या बहुत लो बीपी रहता था, तो ये भी बहुत बड़ा कंडीशन है जो डिसाइड करता है आपका डिलीवरी नॉर्मल होगा या नहीं होगा। और नेक्स्ट, अगर आपका और कुछ हेल्थ इशू है, हार्ट प्रॉब्लम या और कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है जो कि प्रेगनेंसी को इन्फ्लुएंस करता है, वो भी डिसाइड करता है आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा या नहीं होगा। तो अभी जो फैक्टर्स मैंने बताया ये कम्प्लीटली 9 मंथ्स के बाद ही पता चलेगा और वो डॉक्टर ही आपको बेटर बता सकते हैं, क्योंकि ये सब जो लास्ट 9 मंथ्स में डॉक्टर डिलीवरी के टाइम वो जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें देख के डॉक्टर पता कर सकते हैं कि बच्चे का उस टाइम साइज कितना है, उसका हेड जो है वो कितना बड़ा है, वो आपके सर्विक्स के थ्रू पास करेगा या नहीं करेगा, उसके बाद बेबी का पोजीशन क्या है, वो हेड डाउन किया या नहीं किया, सर नीचे कर लिया तो जाके डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे, वो तो कम्प्लीटली आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। और रहा बात हेल्थ का, वो हेल्थ इशूज़ तो आपको पहले से ही पता चल गया होगा, आपका बीपी हाई हो रहा है कि लो हो रहा है और उस दौरान आपका बीपी क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट्स था जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा या नहीं होगा। तो अगर आपका अभी 39 वीक्स और 38 वीक्स चल रहा है और आपका सब कुछ सही है, तो आप ये पता मतलब ये तसल्ली रखिए कि हाँ, आपका नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस 50-50% है। उसके बाद 40 वीक्स के बाद जब डिलीवरी पेन स्टार्ट होगा, जब लेबर पेन स्टार्ट होगा, किसी किसी के केस में लेबर पेन नहीं आता है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल तो आर्टिफिशियल भी इंड्यूस किया जा सकता है लेबर पेन। तो अगर आपका लेबर पेन भी आ गया सही टाइम पे, आप हॉस्पिटल भी जाके सही टाइम पे एडमिट हो गए हैं, वाटर ब्रेक नहीं हुआ है, तो आपका पक्का आपका
नॉर्मल डिलीवरी होगा। अगर मैंने जो जो पॉइंट्स बोला वो सब सही है, बच्चे का सर ठीक है, उसका साइज, बच्चा पोजिशन भी नीचे, उसका हेड भी डाउन कर लिया है और उसका वेट भी उतना ज़्यादा नहीं है, अप टू 3.2 केजी तक बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, तो ये सब अगर है तो आपका नॉर्मल डिलीवरी ही होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको मिला ही होगा मेरे इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।